अगली गलती हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर डेली नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। डेली क्यों नहीं आते थे तुम लोग? डेली क्यों नहीं आ पाते हो? देखो हमें प्रॉपर डेली आना है ग्राउंड, ठीक है? हेलो, आएगा डेली सर? संकल्प कसम खाओ कि मैं डेली आऊँगा ग्राउंड ऐसे करके। बोलना बोला काय हो जात गैप। देखो सबसे बड़ी चीज़ है संकल्प शक्ति, समझते हो? तुमने किताबों में पढ़ा होगा, छोटे में पढ़ लिया होगा, संकल्प संकल्प बस खत्म। तो जब तक संकल्प नहीं लोगे और उस देखो तुम लोग संकल्प ले लोगे, कसम खा लोगे कि हमें डेली ये काम करना है, तो आप उस काम को भी नहीं कर पाओगे पूरा। क्यों? क्योंकि कसम तो खा ली हमने, लेकिन चिंतन नहीं किया, उसके लिए त्याग नहीं किया। त्याग मतलब कैसे होता है? जैसे हमें संकल्प ले लिया कि वजन कम करने के लिए हमें मीठा नहीं खाना है, और आपके सामने बहुत लोग मीठा खा रहे हैं, तो आप उस समय मीठा नहीं खाते हो, तो इसका मतलब है कि आपने त्याग किया, ठीक है? हेलो क्या दीदी? तो हमने त्याग किया, तो संकल्प शक्ति बहुत जरूरी, ध्यान रखना। इसको मजाक मत लेना दीदी आप लोग। आज की युवाओं के अंदर संकल्प शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल फैले हुए हैं। 11 इंद्रियां उनकी काबू से बाहर हैं, जो मन चाहा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो उम्र है उस समय हमें त्याग करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए, पढ़ाई में पूरा मन लगना चाहिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो भी एक बीमारी है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मन भटका है। अगर पढ़ाई में मन लगा फिर तो नौकरी लगाइए क्यों भैया? तो हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम हज़ारों चीज़ें से जुड़े होते हैं, दोस्तों से जुड़े होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें इसमें दिमाग में चलती रहती हैं कि हम शादी में गए थे वहाँ ऐसा वैसा हुआ था, या बहुत सारे सपने पाल के रहते हो कि हम भर्ती जाएंगे, वर्दी पहनेंगे, वो मोहल्ले में आएंगे, लोग अच्छे अच्छा लगेंगे, हैं हमें दुश्मन जलेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी, मम्मी पापा को गर्व होगा। तो हम सपने तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन उस पर मेहनत नहीं करते हम लोग, ऐसे ही देखते हो ना तुम लोग। फिर ध्यान आया तो लगा लिया स्टेटस, आर्मी का स्टेटस लगा लिया, फिर उसको देखेंगे कितने लोगों ने हमें व्यू लाइक किया, कितने लोगों ने देखा, उसी पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। कि एक फ़ोटो डाली और दिन भर उसी में निकाल दिया कितने व्यूवर कितने लाइक आ रहे हैं। देखो अगर लाइक व्यूवर पाना है तो मेहनत करो, लोग ढूंढते फिरेंगे तुम्हें, खोजते फिरेंगे, भैया ये कौन है बाबू, है ना, ये रावली का लड़का कौन है जो आर्मी में है, तो अपने आप खोजते फिरते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, पहले ही हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। देख लेना लगना जाए किसी को बोल, ठीक है भैया? तो संकल्प शक्ति को समझ में मतलब दीदी, हेलो क्या होता है संकल्प शक्ति का मतलब? संकल्प शक्ति मतलब होता है दृढ़ निश्चय, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दृढ़ निश्चय। तो ये बहुत जरूरी है, आज तुम लोगों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।